एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि डीबीटी के संबंध में महानिदेशक महोदय का एक नया आदेश आ गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ज़रूर इस आदेश को देखिए और हमारे वीडियोस को देखिए। दोस्तों, डीबीटी के संबंध में जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जो है एक समाचार आ रहा था कि डीबीटी पोर्टल जो है वो एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है, उसमें कुछ संशोधन हो रहा है, लेकिन साथ ही महानिदेशक महोदय ने जो आदेश जारी किया है वो कुछ अलग है। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि इस संबंध में क्या आदेश जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह आदेश है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। दोस्तों, यह आदेश 7 जुलाई 2021 का है, अर्थात आज का ही है, और विषय है प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के अद्यतन एवं प्रमाणिक बैंक खातों का विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। दोस्तों देखिए क्या आदेश है। प्रिय महोदय महोदया, कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक संख्या ये लखनऊ दिनांक 25 मई 2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के अद्यतन एवं प्रमाणिक बैंक खातों का विवरण PFMS पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किए जाने की प्रक्रिया से विस्तार में अवगत कराते हुए तदनुसार कार्यवाही की अपेक्षा की गई है। छात्र पंजीकरण पंजिका के अनुसार प्रेरणा पोर्टल पर अंकित छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के नाम का PFMS पोर्टल के माध्यम से प्राप्त बैंक खाते में अंकित नाम से मिलान करने पर अत्यधिक संख्या में नामों में भिन्नता परिलक्षित हुई है। ऐसी स्थिति में प्रेरणा पोर्टल पर अंकित माता पिता अभिभावक की पहचान स्थापित किया जाना आवश्यक है, जिससे धनराशि का हस्तांतरण वास्तविक माता पिता अभिभावक के खाते में हो सके। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड 3 उपखंड 2 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ये दिनांक 2 मार्च 2017 अधिसूचना संख्या ये दिनांक 31 जुलाई 2017 एवं दिनांक 17 अक्टूबर 2017 द्वारा अधिसूचना संख्या ये दिनांक 26 फरवरी 2018 में यह निर्देश दिए गए हैं कि सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकाओं के प्रदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरलीकृत करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदा ग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है, और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है। उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के विवरण को दर्ज किए जाने के संबंध में निम्न निर्देश दिए जाते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा छात्र छात्राओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकाओं के संबंधित धनराशि को उनके माता पिता अभिभावक के बैंक खातों में हस्तांतरित करने हेतु पहचान स्थापित करने के लिए माता पिता अभिभावकों से उनकी सहमति से उनका आधार नंबर नाम पता आदि एकत्रित किया जाए, इसके लिए सहमत पत्र का प्रारूप संलग्न है। प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों का विवरण आधार कार्ड में दर्ज विवरण से अक्षरशः मिलाकर लिखा जाएगा। स्पेलिंग बिल्कुल आधार कार्ड के अनुसार ही भरा जाए, इसके लिए प्रेरणा पोर्टल पर आवश्यक फील्ड तैयार है। प्रेरणा पोर्टल पर अंकित विवरण के आधार पर तैयार किए गए डाटाबेस में आधार नंबर को इनक्रिप्टेड अपठनीय रूप में आधार अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार रखा जाएगा। आधार नंबर के संकलन के संबंध में संलग्न सहमत पत्र अभिभावकों से प्राप्त कर विद्यालय में सुरक्षित अभिलेख के रूप में रखा जाएगा और उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय अपेक्षा करने पर उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से सत्यापन के समय संबंधित अधिकारियों द्वारा रैंडम आधार पर डाटा की शुद्धता का परीक्षण भी किया जाए। प्रेरणा पोर्टल पर डाटा एंट्री से PFMS पोर्टल पर वैलिडेशन तक की शेष प्रक्रिया अधो हस्ताक्षर के पत्रांक संख्या ये दिनांक 25 मई 2021 के अनुसार संपन्न की जाए। उक्त प्रक्रिया के अनुसार प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के त्रुटि रहित आवश्यक विवरण फीड किए जाने के अंतिम तिथि दिनांक 25 जुलाई 2021 निर्धारित की जाती है। उपर्युक्त निर्देशों से सभी प्रधानाध्यापकों को अवगत कराते हुए
अत्यंत कड़ाई से 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। भौदी श्री विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। साथ में दोस्तों यहाँ पर वो फॉर्मेट भी लगा है जो हमें देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम किसी के आधार का जबरन यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर हम बच्चों का आधार, उनके माता पिता का आधार यूज कर रहे हैं तो उनकी सहमत लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह नेशनल इशू है। हम किसी के आधार का जबरदस्ती प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो है यह जो है हमारे राज्य सरकार को या हमारे विभाग को या शासन को यह निर्णय लेना पड़ा कि पहले अभिभावकों की अनुमति प्राप्त कर ली जाए आधार यूज करने के संबंध में। यद्यपि आधार जो होगा वो इनक्रिप्टेड होगा, अर्थात आधार जब आप फीड करेंगे तो वो दिखेगा नहीं जैसे पासवर्ड जैसा दिखेगा, फिर भी अगर आपको किसी का आधार यूज करना है तो उससे अनुमति लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर सहमत पत्र का प्रारूप है कि मैं पुत्र पुत्री श्री श्रीमती निवासी ग्राम विकासखंड जनपद अपने पुत्र पुत्री वार्ड जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय की कक्षा का छात्र छात्रा है को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायकियों को प्राप्त करने हेतु अपना पहचान स्थापित करने के लिए अपने आधार के प्रमाणीकरण हेतु और आधार नंबर आधारित डेटाबेस तैयार करने हेतु अपने आधार कार्ड का उपयोग करने की सहमति देता या देती हूँ। और उसके बाद हस्ताक्षर अंगुष्ठ चिन्ह अभिभावक, अर्थात यहाँ पर अभिभावकों का हस्ताक्षर कराना है, अगर पढ़े लिखे हैं तो, अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनका अंगूठा निशान लगवाना है और यह अनुमति जो है प्राप्त करना है। दोस्तों समझ गए होंगे कि यह आदेश क्यों आया, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये समस्या उठी होगी कि आधार का जबरदस्ती प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आधार व्यक्ति की पहचान को उजागर करता है, उससे संबंधित बहुत सारे डेटा जुड़े होते हैं। इसलिए आधार का प्रयोग करने के पहले हमें उनकी अनुमति लेना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो यह अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।